सो हेलो गाइस, टेक क्यूब्स हियर। आज यार इन दोनों के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछने में आ रहे थे कि कौन सा बेटर है, क्या रियलमी के एयरबड्स अपने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्थ हैं और क्या एयरपॉड्स अपने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्थ हैं कि नहीं। तो आज इसी पर वीडियो बना के इन दोनों पर रिव्यू करेंगे, इन दोनों का छोटा सा कंपेरिजन भी कर लेंगे, थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे आपको रियलमी एडवांटेज दे रहा है और कहाँ पे आपको एयरपॉड्स एडवांटेज दे रहे हैं। प्लस मैंने एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ रियलमी के एयरबड्स को, तो आज एक वन मंथ रिव्यू भी मैं आपको साथ ही साथ दे दूंगा इनका। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटा सा कंपेरिजन और साथ में एक वन मंथ रिव्यू हो जाएगा हमारे रियलमी एयरबड्स का। और बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि वो रियलमी के एयरबड्स लें या ना लें, तो मैं इसी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना। तो शुरू करते हैं और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबा दो मेरी नोटिफिकेशंस के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम है या थिन है आपके रियलमी के एयरबड्स के केस से, ये देखिए। और एयरबड्स का जो केस है वो थोड़ा सा शॉर्ट है हाइट में, ज़्यादा कुछ और डिफरेंसेस नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक क्रोम कनेक्टर मिल जाता है और एक बटन जो कनेक्ट करने के लिए हमें रियलमी एयरबड्स में भी दे रखा है, लेकिन वो फ्रंट पे है और यहाँ पे हमें एयरपॉड्स में बैक में देखने को मिलता है। नीचे हमें यहाँ पे मिलती है केबल टाइप सी और यहाँ पे हमें मिलती है लाइटनिंग केबल पोर्ट और साथ में यहाँ पे कुछ मार्क्स, ब्रांड मार्क्स भी हैं, तो ये हमें एयरपॉड्स में देखने को नहीं मिलते, बस एक छोटी सी ब्रांडिंग पीछे मिलती है हमें, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है डिज़ाइन बाय रियलमी करके, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं फोकस कर देता हूँ एक बार आपके लिए, ये देखिए। तो अब इन दोनों को मैं वापस रख देता हूँ। तो ये तो था डिज़ाइन की बात हमने जब करी, तो ये तो हो गया डिज़ाइन। अब अगर मैं बात सिर्फ और सिर्फ करूं कि क्या एडवांटेजेस आपको इसके साथ मिलेंगे और क्या एडवांटेजेस आपको एयरपॉड्स के साथ मिलेंगे, तो यार एक चीज़ बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 का मिलता है और ये जो आपको मिलते हैं 15,000 के। अब तो ये 11,000 के मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों के प्राइस लॉन्चिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लिटरली 4 गुना का डिफरेंस है, ये 4 के वो 16 के, तो ऐसे 4 एयरबड्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये 4,000 पूरे के पूरे वसूल चीज़ है, जिसे कहते हैं पैसा वसूल, ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसमें सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इसमें वायरलेस चार्जिंग है जो कि हमें इसमें भी नहीं मिलती, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, इसके अपग्रेडेड मॉडल में हमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन वो है 18,000 रुपीज़ का, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और एयरपॉड्स प्रो जो आपको आए हैं वो तो आपने देख ही लिया, क्योंकि वो तो आपके 24,000-25,000 के वेरिएंट्स में आता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये जो एयरबड्स है, तो अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं इन दोनों की, तो कौन से बेटर हैं? यार देखो, अगर 16,000-4,000 को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली एयरपॉड्स की थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो वो थोड़ी सी ही बेटर है, ज़्यादा बेटर नहीं है। कंपेरेटिवली इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी देखने को कहाँ मिलता है कि जब दोनों का आप सुनोगे सॉन्ग, तो एक स्लाइट सी क्लियरिटी आपको क्या बोलते हैं फील होगी जब आप एयरपॉड्स को लगाओगे कान पे, एक स्लाइट सी क्वालिटी फील हो जाएगी जब आप इन एयरपॉड्स को कान पे लगाओगे। और ठीक है, वो होनी भी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी साउंड क्वालिटी सुन के, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि 4,000 में रियलमी इतनी बढ़िया चीज़ें दे देगा। अब क्या एडवांटेजेस आपको एयरबड्स में मिलेंगे कंपेरेटिवली रियलमी एयरबड्स के? तो एयरबड्स में आपको मिलती है
25 आवर्स का बैटरी बैकअप और 4 बार एक केस आपके एयरपॉड्स को चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है पूरे एक दिन का। जनरली आप इतना तो यूज़ भी नहीं करोगे, तो मैं इसे 2 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मेरे को इसको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता। वहीं ये भी अच्छा है अपने बैटरी बैकअप में, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 8 घंटे का बैटरी बैकअप फुल केस और आपके एयरबड्स के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक गैप है 25 से 8 में। तो बैटरी, अगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, वैसे तो मैं बोलूँगा कि सफिशिएंट बैटरी मिल जाती है आपको रियलमी एयरबड्स में बहुत ज़्यादा। 8 आवर्स की बैटरी भी बहुत है, इतना कोई नहीं गाने सुनता, लेकिन फिर भी अगर आपको बैटरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप एयरपॉड्स पे जा सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग इश्यूज ज़रूर रहेंगे क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकेंडली, जो आपको पॉइंट एडवांटेज मिलता है एयरबड्स में, वो आपको मिलेगा वायरलेस चार्जिंग का। इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है अगर आपके पास घर पे वायरलेस चार्जर है तो। लेकिन इस वाले वेरिएंट में जो आपको 10,000 में अवेलेबल होता है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट का एडवांटेज मिलेगा एयरबड्स में, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको वायरलेस चार्जिंग एयरपॉड्स में चाहिए तो आपको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 18,000 का लॉन्चिंग प्राइस है, लेकिन अब शायद 15 या 16,000 का वो अवेलेबल है। तो वही बात है कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपको फीचर मिल जाएगा। सेकेंडली, एक जो हैप्टिक सी फील आती है आपके एयरपॉड्स के, इस एयरपॉड्स के केस को ओपन करने में एक मैग्नेटिक फील आती है, वो इस कनेक्टर की वजह से वो फील आपको यहाँ नहीं मिलती। वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा ओपनर है, सिंपली आप इसे ओपन करोगे, ये सिंपल ही ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप, जैसे एयरपॉड्स में क्या होता है कि वो अगर आप ज़रा सा भी ओपन करोगे तो वो अपने आप को पुल बैक कर लेता है। जैसे मैंने छोड़ दिया तो अपने आप को पुल बैक कर लेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इतने में भी इसे छोड़ दूंगा तो अपने आप को पुल बैक कर रहा है, ये देखिए। लेकिन ये इसमें नहीं होगा, ये अगर आप इतने में छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा या अटक जाएगा। तो यहाँ पे बस ये माइनर डिफरेंसेस हैं जो क्वालिटी को डिफाइन कर देते हैं। प्लस दोनों की ही मटेरियल सेम है, लेकिन एयरपॉड्स हल्का सा हैवी है और हल्का सा एयरपॉड्स का जो मटेरियल है वो प्लास्टिक से थोड़ा, मतलब गुड क्वालिटी प्लास्टिक जैसे कह सकते हैं, वो लगता है यहाँ पे उसके कंपैरिजन में। इसका अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लगता है अगर आप इसको अकेले देखें तो, लेकिन इन कंपैरिजन टू एयरपॉड्स थोड़ा सा कहूँगा मैं कि नीचे है। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि 16,000 या फिर 4,000, तो जनरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस ऑफर मिल रहा है आपको रियलमी एयरबड्स पे। साउंड क्वालिटी में बता चुका हूँ कि साउंड क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। साउंड क्वालिटी इज़ लाइक कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बल्कि मेरे को तो बेस जो है इसका, बेस इसका ही मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इसकी जो है स्टेम, अगर आप इसकी स्टेम नोटिस करेंगे एयरबड की स्टेम देखिए, ये जनरली मोटी होती है, थोड़ी सी थिक है आपके एयरपॉड से। अगर मैं एक एयरपॉड निकाल के दिखाऊं आपको तो ये एयरपॉड की स्टेम से थोड़ी सी थिक है, ये देखिए। लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस आपको इन दोनों के बर्ड्स में देखने को मिलते हैं वो ये है कि ये फ्रंट से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है अगर आप इसे देखें तो, और ये हैं आपके रियलमी एयरबड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगते हैं। और ये हैं आपके एयरपॉड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आगे से फ्रंट से बिल्कुल सेम है। लेकिन जब पीछे की तरफ आप टर्न करेंगे तो पीछे जनरली कुछ भी नहीं है आपके रियलमी के एयरबड्स में, सिर्फ एक माइक मिलता है। और यहाँ पे आपको माइक है, आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और यहाँ पे एक ग्रिल है, स्पीकर ग्रिल। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी, बात करने में जब आप कॉल पे बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफर करता है एयरपॉड्स, क्योंकि इनमें यहाँ पे भी आपको ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे भी ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पे भी ग्रिल है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफर करते हैं। और ग्रिल तो आपको यहाँ पे भी मिलेगी, इसके नीचे ग्रिल नहीं है एक्चुअली, वो छोटा सा माइक पोर्ट ही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ फोकस करके तो, ये देखिए। तो लेकिन वाइड एरिया ऑफर करता है आपको एयरपॉड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी ग्रिल है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एरिया ऑफर कर देता है एयरपॉड्स। तो यही छोटी छोटी एडवांसमेंट्स हैं जो आपको प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस देती हैं। और बाकी एप्पल ज़्यादा चार्ज करता ही है। तो अगर आप ये क्वेश्चन है कि आपको ये रियलमी लेने चाहिए या नहीं, और आपका 4,000 का बजट है, तो मैं जनरली बोलूँगा कि रियलमी लो यार, बहुत ही बढ़िया है रियलमी। मेरे को 4,000 में रियलमी जैसे ईयरबड्स से अच्छा कुछ ऑप्शन दिखा नहीं अभी,
बहुत ही बढ़िया चीज़ें ऑफर करता है दोनों, प्लस इसमें एक गेमिंग मोड भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे एयरबड्स में मैंने देखा है कि गेम की जो साउंड होती है, स्पेशली लोग पबजी बहुत खेलते हैं, तो पबजी खेलते वक्त गोलियां पहले चल जाती हैं और आवाज़ बाद में आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है एक गेमर के लिए। तो इसमें गेमिंग मोड है, आप गेमिंग मोड एंटर करो, एक कार साउंड आएगी और गेमिंग मोड शुरू हो जाएगा। तो गेमिंग मोड जब आप शुरू करोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है एक गेमर के लिए। तो इनमें आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, हालांकि वो आपको एयरपॉड्स में देखने को अभी नहीं मिलता। साउंड कैंसिलेशन दोनों में नहीं है। और अगर फिर बात करते हैं अगर आप कनेक्टिविटी की, तो मैं बोलूँगा कि दोनों ने एक्सेल करा है अपनी अपनी जगह पे। लिटरली इन दोनों को पहन के पूरे घर में घूम लूँ मैं, ये बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होते, दोनों की साउंड क्वालिटी बढ़िया रहती है। और बिल्कुल घर के कोने में भी चला जाऊँ, इन दोनों की वॉइस, इन दोनों की साउंड बिल्कुल भी शिवर नहीं करती, तो ये दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। एंड सरप्राइजिंगली रियलमी के लिए मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा था, क्योंकि मेरे को लगा था रियलमी की कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वही सेम रेंज है दोनों की, एयरपॉड्स और रियलमी की। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ रियलमी ने ऑफर करी है, क्योंकि एयरपॉड्स के कंपैरिजन में इतने डिफरेंट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे और इतनी बढ़िया क्वालिटी दोनों ने ऑफर करी है। तो रियलमी के लिए यहाँ पे मैं एडवांटेज दूंगा, प्लस पॉइंट दूंगा, कि अगर आपको कनेक्टिविटी इश्यूज आपको लग रहे हैं कि होंगे, तो नहीं है बिल्कुल भी, कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। बस जो छोटे मोटे आपको एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं एयरपॉड्स पे, वो होते हैं कि अगर आप एक iOS डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, तो जनरली आप जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ये आपको एक बैटरी इंडिकेटर शो कर देता है, जैसे कि आ गया एक बैटरी इंडिकेटर, कि आपको केस की बैटरी और दोनों की बैटरी आपको दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों की बैटरी दिखा रहा है आपको कि मेरे एयरपॉड्स जो हैं वो 100% चार्ज है और मेरा केस जो है 24% चार्ज है। तो ये चीज़ आपको रियलमी के एयरबड्स में देखने को नहीं मिलती, और जैसे ही आप क्लोज करेंगे ये टॉगल चला जाएगा, और दोबारा ओपन करेंगे ये टॉगल दोबारा आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ आपको रियलमी के एयरबड्स में देखने को नहीं मिलती। प्लस एक फाइंड माई फ़ोन का फीचर भी है, अगर आपके एयरपॉड्स कहीं भी खो जाएं तो इन्हें आप ट्रैक कर सकते हो, इन्हें आप फाइंड माई फ़ोन से ढूंढ सकते हो, ये एक आवाज़ क्रिएट करते हैं छोटी सी। तो ये छोटी छोटी एडवांसमेंट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं। और अगर फाइंड माई फ़ोन का ये वाला ऐप जो है आपके आईफोन में प्रेजेंट होगा पहले से, दिस वन, इसको आप ओपन करके इसमें से आप फाइंड माई फ़ोन से कर सकते हैं यूज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी दे रखी हैं एयरपॉड्स में, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो रियलमी एयरबड्स हैं इनमें ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें मेन मेन चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि गेमिंग मोड जिसकी हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, जिसके घर पे भी एक वायरलेस चार्जर है ये उसके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि सीधा ही आप रख सकते हैं। प्लस इसमें जो लाइट इंडिकेटर है वो आपको बाहर मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है आपके एयरबड्स की बैटरी, और अब ये थोड़ी देर के बाद इंडिकेट कर रहा है आपके केस की बैटरी जो कि बिल्कुल डेड है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसे मैं अभी चार्ज कर दूंगा, तो ये बहुत ही बाहर आपको देखने को मिल जाता है, तो जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे इसे वायरलेस पे, तो ये बाहर से लाइट इंडिकेट कर देगी। वहीं आपको एयरपॉड्स में जो विदाउट वायरलेस चार्जिंग वाली जो वेरिएंट है उसमें आपको लाइट देखने को मिलती है अंदर, और इसमें भी सेम है ये, जब आप ये अभी केस की बैटरी, ये अभी एयरपॉड्स की बैटरी बता रहा है, अगर आप एयरपॉड्स हटा लेंगे तो ये आपको केस की बैटरी बता देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं केस अभी रेड है, तो इसका मतलब केस में ज़्यादा बैटरी नहीं है, 24% दिखा रहा था वो, तो जब आप 50% ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो वो ग्रीन लाइट दिखाने लग जाएगा। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई क्वालिटी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, दोनों ही बढ़िया हैं। और यार पहन के दोनों ही सेम लगते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता दूर से देखो तो, दूर से रियलमी एयरबड्स भी एयरपॉड्स जैसे सेम लगते हैं। और प्लस इसमें आपको कोई कलर वेरियंट नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको तीन कलर्स मिलते हैं, येलो, ब्लैक एंड वाइट। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खरीद सकते हो, अभी तो आएंगे नहीं लॉकडाउन के उसमें, लेकिन थोड़े टाइम में आप ले सकते हो इसे, दोनों ही बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो एयरपॉड्स ले सकते हैं आप, एयरपॉड्स तो एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ पैक, बिल्कुल पूरा पावर पैक जैसी चीज़ कहते हैं वो एयरपॉड्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन अपने 4000 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पावर पैक है, इसमें भी सब कुछ है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी साउंड बहुत अच्छी है, बिल्कुल सराउंड साउंड सिस्टम देता है, और बिल्कुल सेम केस है, बहुत ही ईजी टू कैरी है केस आपको अच्छा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसके केसेस नहीं मिल रहे, तो इसके केसेस मैं मानता हूँ इसके केसेस बहुत कम अवेलेबल हैं, एयरपॉड्स के केसेस तो जैसे बहुत मिल जाते हैं, ये केस मैंने खरीद रखा है एयरपॉड्स के लिए, एक्चुअली दिस इज़ अ शॉक प्रूफ केस, अगर आप देखेंगे तो साइड से ये काफ़ी थिक है और कुछ होगा नहीं अगर ये गिरेगा भी एयरपॉड्स, तो इसमें परफेक्टली एयरपॉड्स फिट हो जाते हैं और बढ़िया तरीके से, काफ़ी थिक है, अगर आप थिकनेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा थिक है।
तो ये मैंने एयरपॉड्स के लिए केस ले रखा है, सिल्वर कलर, ग्रे कलर का केस है। और यार ये है आपका रियलमी का केस, अगर आप देखेंगे तो ऐसा केस आपको मिल जाता है रियलमी का, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को यही बोल रहे थे कि मिलता नहीं, लेकिन मिल रहा है। लेकिन यार ये आपको रियलमी की ओरिजिनल साइट पे ही मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा आप ले सकते हैं। लेकिन यार मैं एक चीज़ बताऊँ, ये केस वर्थ नहीं है। ये केस आपको देखने को मिलता है 399 या 499 का, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही, देख सकते हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि लूज़ लूज़ सा केस है। और अभी तो इसे एक महीना भी नहीं हुआ, अगर मैं इसे लगाता हूँ तो ये अभी से ही लूज़ हो चुका है मेरे ईयरबड्स पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक तो लगता भी ठीक से नहीं है, और जैसे आप देख सकते हैं एक तो टेढ़ा लग रहा है, इसकी सिमिट्री अच्छी नहीं थी। ये केस को बहुत ही ज़्यादा सेट करना पड़ता है, जैसे एयरपॉड्स का केस एक ही बारी में चढ़ गया, इसे सेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। प्लस अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा केस लूज़ हो चुका है यहाँ से। तो केस मैं रिकमेंड करूँगा कि यार थोड़ा वेट कर लो अगर आ जाए तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्क्रैचेस लगा दोगे तो आप ये केस ले सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा और इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये केस तो मैं रिकमेंड करता हूँ एयरपॉड्स यूज़र को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये के उनके एयरपॉड्स पे जिस जो हाईली स्क्रैची बॉडी है बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस कैच कर लेती है, तो उसके लिए रेकमेंड करूँगा कि ये वाला केस खरीदें। ये शॉक प्रूफ है, गिरने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ टेस्ट मत करना गिरा के, लेकिन ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर देगा आपके केस को। प्लस और भी केसेस आते हैं एयरपॉड्स से वाटर प्रूफ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो जनरली वाटर प्रूफ केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पानी से तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन कभी कभार होता है कि हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट कर देता है आपको। बाकी और कुछ नहीं है इस वीडियो में, यही दोनों चीज़ें यार, दोनों ही प्रोडक्ट्स, एंड रिजल्ट यही है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मैं जनरली बोलूँगा कि सोचना भी मत कि एयरपॉड्स तक पैसे बचाओ, ये वाला उठा लो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो जो भी आपके व्यूज़ हो कमेंट कर देना, जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो एंड करते हैं वीडियो को। नई नई वीडियोस बना दूंगा, कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो किसी चीज़ पे चाहिए तो कमेंट कर देना, बाकी यही सब है, तो एंड करते हैं। सो मनीत कोहली हियर एंड बाय।